तो गाइस बाहर गणेश जी की आरती चल रही है और मैडम मेरे लिए लेके आई है ये नाशपाती, तो खाते हैं और फिर लेते हैं। वैसे रात के डिनर में क्या बनेगा? सत्तू के पराठे। ओह माय गॉड गाइस, आज बनेंगे हमारे घर के अंदर सत्तू के पराठे, क्या बात है। चलो पहले से फिनिश करता हूँ, फिर दिखाते हैं पराठे हमारे घर में कैसे बनते हैं सत्तू के, और आपको मिलते हैं फिर। कहाँ मिलेंगे यार, ब्लॉग देखते रहो, एंजॉय करते रहो। तो देखो गाइस, आरती हो चुकी है खत्म और यहाँ सत्तू, यहाँ पर ये देखो क्या क्या बोलते, भुरकुंडा बेबी, ये सत्तू का जो मसाला होता है वो बनकर तैयार हो गया। इसमें क्या क्या बेबी डाला है आपने? प्याज, हरी मिर्ची, नींबू और अजवाइन और लहसुन आदि, ओहो धनिया पत्ती, ओहो कटे हुए प्याज। मैंने इसमें थोड़ा सा खाया बेबी, इसका जो खट्टापन का टेस्ट है ना, क्या बताऊं, बड़ा मस्त लग रहा है। और ये क्या एक्स्ट्रा अलग से तुमने काटा है, सब्जी उब्जी बनाने वाली हो क्या? अच्छा, और ये साथ गाइस देखो, यहाँ पर आलू भी कटे हुए हैं, प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च कटी हुई है, और यहाँ पर कुकर में बनाओगे ना बेबी। तो मैडम की यहाँ पे रेसिपी नहीं है। तो ये हमारा आज का बन रहा है दोस्तों डिनर, सत्तू के पराठे। और अभी तो पराठे बनाने के लिए आटे का डोब बनाने भी बहुत ज्यादा जरूरी है बेबी। तो डोब क्या आप गूंदोगी या मैं गूंदू? मैं। तुम गूंदोगी? कैमरे के सामने मैं बोल रही हूँ, पीछे में तुम गूंदोगी। कैमरे के सामने इन्होंने मैं बोला है और पीछे में मैं गूंदूंगा। चलो कोई बात नहीं, मुझे भी हेल्प करने, मतलब मैं कर देता हूँ, हमेशा हेल्प करता हूँ अपनी मैडम की। तो चलो आटा गूंदता हूँ। थोड़ा सा और आगे, कैसे लेके जाऊंगा तुम? सब मैं ले जाऊंगा बेबी, आप बोलो। सो गाइस देखो, ये हमारा बन चुका है सत्तू भर का पराठा, और साथ ही इसके साथ बनी है आलू और चने की सब्जी। अभी फिलहाल यहाँ पर अंधेरा आ गया है, तो ये रहा हमारा रात का डिनर। ये पूरा उठाओ बेबी, इसको इधर रखो, ये रहा। सो गाइस इसके साथ मिर्ची खाने में बड़ा मजा आता है, इसके अंदर हरी मिर्ची होगी एक। अरे यार ये रही, इसको धो के आता हूँ। तो इसको धो लिया, इधर ले लेता हूँ थोड़े से नमक। ये देखो नमक पूरा डब्बा लेके जा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, जितना लेना होगा ले लेंगे, उतना वापस मैं लाके रख दूंगा इसको। तो ये रहा नमक का डब्बा बेबी, ये रही मिर्ची। ये क्या, आते ही फोन चलाने लगी बेबी है? क्योंकि मैं अभी बनाते बनाते थक गई। जोर से बोलना। अभी मैं बनाते बनाते थक गई हूँ, तो अभी 10 मिनट रेस्ट करूंगी फिर खाऊंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा, अभी मैडम बनाते बनाते थक गई है, क्योंकि डोब भी मैडम ने ही तैयार किया था, और सत्तू का जो पूरा पराठा है वो भी मैडम ने बनाया है, बाकी आलू और चने की जो सब्जी है वो भी मैडम ने बनाया है। तो यहाँ पर ले लिया हमने रात का डिनर, और अभी 10 मिनट वेट कर लेते हैं, देखते कितनी देर में इनका फोन चलाने का काम खत्म होता है। सो आई एम रियली सॉरी गाइस, ये देखो चने की सब्जी इतनी खत्म हो गई है, और पराठे हमारे यहाँ पे पता नहीं कितने थे, यहाँ पे बहुत, अरे इतने सारे बचे हुए हैं। अभी एक ही तो खाया है। तुमने एक ही पराठा खाया जब से? मैंने कितने खाए हैं? मैंने दिखाई, देखो गाइस झूठ बोलती है मैडम, मैडम बोल रही है एक पराठा, यानी तुमने टोटल पराठे बनाए होंगे 2, 2, 4, 2, 6, 8 पराठे बनाए हैं। कितने? 7। 7 बनाए हैं, तुम्हें तो 6 पराठे यहीं पर नजर आ रहे हैं। सादा रोटी है, दो सादी रोटी भी थी, कहनी है कि वो रोटी मैं खा गया। नहीं। अच्छा वो रोटी अभी नीचे है। और तो सॉरी गाइज, मैंने आपको दिखाना भूल गया था गाइज, इसलिए मैं बताया दिखा नहीं पाया, खैर कोई बात नहीं। पर डेली गाइज क्या मजा आ रहा है, सत्तू पराठा मतलब मेरी जो फेवरेट डिश है ना उनमें से एक है, और सत्तू के साथ जो चने और आलू का जो टेस्ट होता है ना, मैं एक बार दिखाऊं आपको खा के। ये देखो गाइज, ये मैंने रोटी है सत्तू की, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी तोड़ के रख ली है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लाते हैं, और इसके अंदर ऑयल बहुत ज्यादा है बेबी, कुछ ज्यादा नहीं ऑयल डाल दिया तुमने? ऑयल से टेस्ट आता है। मजा आ गया। क्या बोल रही हो बेबी? ऑयल से टेस्ट आता है, इसलिए तुमने ज्यादा ऑयल डाल दिया ना। मैंने वैसे तो चिकन और मटन में ज्यादा ऑयल हो तो ज्यादा और टेस्ट बढ़ जाता है। नहीं, आलू की सब्जी में। हाँ आलू की सब्जी में भी ऐसे लगता है भंडारे वाली सब्जी हो, है ना, चने के साथ तो और ही बात कुछ और हो जाती है। तो फिलहाल गाइस मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट, तो फिलहाल गाइस अभी मैं करता हूँ डिनर, और फिर और फिलहाल गाइस मैं करता हूँ अभी डिनर, और फिर मैं आपको उसके बाद मिलता हूँ। सो हे गाइस, रात को मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर नहीं पाया था, और बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, और बहुत सारा काम था, एडिटिंग वगैरह खत्म कर दी मैंने रात को, और फिलहाल अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ वीडियो। और जो मैंने रात को सत्तू और पराठा खाया था वो सुबह मैंने निकाल भी दिया है, तो
सुबह की शुरुआत हमारी काफी अच्छी हुई है। सूर्य नमस्कार से तो हो ही नहीं, काफी लेट उठा हूँ क्योंकि आज के दिन कोई काम वाम है नहीं घर के अंदर। और फिलहाल मैडम देखोगे तो इधर, ये देखो गाइस मैडम अभी इधर झाड़ू वाड़ू लगा रही है किचन में। हाँ बाकी देख सकते हो, अभी थोड़ी देर बाद मैडम पोछा वोचा भी लगवाएंगी। मेरे से नहीं लगवाएंगी बेबी, खुद लगाओगी ना पोछा वोचा। बाकी गाइस ये देख सकते हो कल का इतना सारा कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है। तो फिलहाल आज का क्या सीन है देखते जो ब्लॉग को और कंटिन्यू रखता हूँ। और ज्यादा फिलहाल तो मैं भी जा रहा हूँ ब्रश करने के लिए, तो चलना क्यों तो ऐसे हाथ धो ना एक बार। कौन सा बर्तन? अरे यार इतना सारा बर्तन है, तीन ही है वो। अभी मैं गिनती करता हूँ, देखो गाइस कितना, 1 2 3 4 5 6 बर्तन है। बोल रही पे भी तीन है, अभी इसके अंदर भी है क्या कुछ? ये देखो 7 बर्तन है। ओह नो यार, 7 बजे 4 बर्तन फालतू है, तुम बोल रही हो 3 बर्तन है। ले अरे कॉकरोच शायद रात में ही गिर गया था बेबी, मर गया ना, खैर कोई बात नहीं। इतना किस लिए? जोरन के लिए, तो यहाँ रख दो। सो गाइस एक लाइट जला देता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा लाइट आ गया। तो मैडम यहाँ अभी क्या बना रही है दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस मैं ब्रश व्रश करके आ गया हूँ और फिलहाल नहाने का काम होता है, लेकिन मैं अभी नहाया नहीं हूँ। लेकिन मैडम यहाँ पर सुबह सुबह, ये देखो गाइस सुबह सुबह तेल में पकौड़े तल रहे हैं। बहुत कम तेल डाला है बेबी तुमने, बोलो। क्यों कम डाला है तेल? ज्यादा मुझे ज्यादा पकौड़े नहीं बनाने हैं। अच्छा थोड़े ही पकौड़े बनाने ना, ऐसा ठीक है। वैसे तेल तुम ज्यादा यूज करती हो हमेशा? क्या ज्यादा कभी यूज किया मैंने? करती हो तुम, मतलब पूरा एकदम जैसे जलेबी छानते हैं ना वैसे तुम पकोड़े तलती हो? हाँ तो तेल पकोड़ा भी छानता है। अच्छा खैर कोई बात नहीं करो। और ये देखो गाइस ये है मट्ठा, इसके अंदर हल्दी वल्दी डल गया है और घर की बनाई हुई लस्सी है, तो आज बनने जा रहा है हमारे घर के अंदर। सो गाइस यही आज हमारा खाना बनने जा रहा है, लंच भी बनेगा ब्रेकफास्ट भी यही रहेगा। और फिलहाल ये देखो सुबह सुबह मैडम घोड़े की तरह चने चबा रही है, तो अभी मुझे भी चबाना बाकी है और इधर दूध भी गर्म करना बाकी है। इतना पर्दा क्यों लगाती? ये लो दो माचिस और खुले पैसे यहाँ। तो पूजा करने के लिए माचिस खत्म हो गया था तो वो मैंने ला कर रख दिया, अभी मैडम पूजा वूजा करेंगी। मैडम पूजा होगी आपकी? अगरबत्ती जो लेके आया था है ना, होगी ना? तो गाइस मैडम की तो पूजा हो गई खत्म और यहाँ पर इनकी हो रही है पेट पूजा। और ये रात के बचे हुए सत्तू के पराठे और आलू की भुजिया खा रही है, भूख लगी है ना? हाँ तो तुम्हारे लिए मैं बैठ नहीं। हाँ तो मैं इनको बोलता भी नहीं कि तुम मेरा इंतजार किया करो, क्योंकि मैंने नाश्ता वास्ता तो मैंने वैसे भी कुछ नहीं किया है ब्रश करने के बाद। तो फिलहाल गाइस एक बहुत पुराना दोस्त है जो कि फेसबुक पे मेरी उससे मुलाकात हुई थी, तो वैसे करते करते फिर दोस्ती में बदल गई थी। तो लास्ट टाइम मैं उससे मुलाकात किया था रांची के अंदर, जब मैं थर्ड टाइम ही आया था शायद, तो और मैं रोड पर मुलाकात किया था कांके। तो फिलहाल वो अभी आने वाला है और पता नहीं कितनी देर में आएगा, पर मैंने उसको बोला कि मैं जो लोकेशन दिया है मैंने उस लोकेशन पे आके मुझे कॉल करे, फिर मैं उसको रिसीव करूंगा।